Assalamualaikum students, first year आवाज़ आ रही है? मैम आपको भी नहीं हो रही? कोई नहीं है अभी मैम, ये लिंक दोबारा ओपन कर लो, ये बंद ना करें, दोबारा से ओपन कर लो, मतलब साथ दूसरों भी। जी जी मैम, और उसके ऊपर अपने अपलोड कर लो जी। ओके स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। ठीक है, आज लेक्चर जो थे वो फर्स्ट दोनों लेक्चर्स मैंने लेने हैं, ठीक है, 9 से 10 और 10 से 11 दोनों लेने मैंने, ठीक है। सो आज कल के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछना। सो कल हम ट्यूबर क्लोसेस हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, ट्यूबर क्लोसेस के बारे में हम पढ़ रहे थे। ट्यूबर क्लोसेस जो है ये एक वेरी फेटल और कंटेजियस डिजीज है जो कि ऑलमोस्ट
आपकी बॉडी की किसी भी ऑर्गन को जो है वो अफेक्ट कर सकती है, लेकिन मोस्टली जो है वो लंग्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, उसका ये जो एक लैटिन वर्ड से निकला है ट्यूबरकल और ओसिस। ठीक है, ट्यूबरकल का मतलब है राउंड नोड्यूल्स और ओसिस का मतलब है कंडीशंस। ठीक है जी, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ह्यूमंस के अंदर जो है ये डिजीज कॉज करती है, और माइकोबैक्टीरियम बोवेस जो है ये एनिमल्स के अंदर कॉज करती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स भी है, माइकोबैक्टीरियम एफ्रिकेनम है, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटीए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रीए, माइकोबैक्टीरियम एवीएम है। ठीक है, और माइकोबैक्टीरियम एसिडिज़म है। ठीक है, सो ओके, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है वो हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। तो दो तरह की डिजीज होती है, एक होता है पल्मोनरी टीबी और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी का ये मतलब है कि वो टीबी जो कि लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसका मतलब ये है कि लंग्स के बाहर किसी और ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ठीक है, सो पल्मोनरी टीबी जो है या तो प्राइमरी डिजीज होगी या जो है सेकेंडरी डिजीज होगी। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है वो लिम्फ नोड टीबी है। ठीक है, अगर लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, लिम्फ नोड के अंदर होता है तो लिम्फ नोड टीबी है। अगर प्लीवरल कैविटी को करता है, ठीक है, प्लीवरल स्पेस को करता है तो वो प्लीवरल टीबी है। ठीक है, अगर इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करता है तो अपर रेस्पिरेटरी या अपर एयरवे का टीबी है। ठीक है, अगर स्केलेटन सिस्टम को करता है तो स्केलेटन टीबी है। ठीक है, अगर जेनेटो यूरिनरी सिस्टम को करता है तो जेनेटो यूरिनरी टीबी है। ठीक है, और अगर ब्लड के अंदर जो है ये इन्फेक्शन जाता है तो ये मिलियरी टीबी है। ठीक है, इसके अलावा अगर पेरिकार्डियल स्पेस में या पेरिकार्डियम के अंदर होता है या हार्ट के ऊपर अफेक्ट करता है तो उसे कार्डियक या पेरिकार्डियल टीबी कहा जाता है। ठीक है, और अगर जीआई ट्रैक को करता है तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टीबी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ट्यूबरकल, अगर इसके अलावा जो है वो मेनिंजीज के अंदर होता है या मेनिंजीज जो ब्रेन के जो लाइनिंग है, ठीक है, अगर उसके अंदर होता है तो उसे जो है वो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस कहता है। ठीक है, इसके अलावा लेस कॉमन फॉर्म जो ये कुछ और भी है जिसको जो है वो, लेकिन वो इतने जो है वो कॉमन नहीं है, जिस तरह लोकेशन के बेस पे हम कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गन किसी भी लोकेशन के ऊपर होगा तो हम उस लोकेशन वाइज जो उसे नाम देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है वो पल्मोनरी टीबी। ठीक है, पल्मोनरी टीबी जो है इसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा कि प्राइमरी और सेकेंडरी, वो आगे मैं बताऊँगा कि क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो है वो एस्टिमेशन पढ़ा था कि 8.7 मिलियन जो है ये न्यू केसेस आते हैं हर साल टीबी के 2011 में, ये एक अंदाज़ा लगाया गया था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1,00,000 के पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो 1,00,000 पॉपुलेशन में 125 केसेस जो है वो ईच 1,00,000 पॉपुलेशन के अंदर आ रही हैं। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इसके अलावा जो है वो अगर हम देखें तो इनमें एशियन जो लोग हैं वो 59% है। ठीक है, अफ्रीकन जो है वो 26% है। जी जी बिल्कुल, ब्लड के अंदर होगा तो मिलियरी टीबी होता है। ठीक है, सो ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन को अगर देखा जाए तो 7.7% है। ठीक है, और यूरोपियन रीजन को देखा जाए तो 4.3% है। ठीक है, सो अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो 3% जो है इसका रेट है। ओके, सो इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक सर्वे के बारे में बताया था कि 2011 में जो है वो एक सर्वे हुआ था। सर्वे के अंदर जो है वो 22 हाई बर्डन कंट्रीज जो थे वो लिस्ट आउट हो गए थे। ठीक है, 22 हाई बर्डन कंट्रीज जो थे उन लिस्ट आउट किए थे। ठीक है, इसमें इंडिया की कितनी थी, इसमें इंडिया के 22 लाख लोग थे। ठीक है, 22 लाख लोग थे। ठीक है, इसके अलावा जो अगर चाइना में देखा जाए तो 10 लाख लोग जो थे वो अफेक्टेड थे। ठीक है, इसी तरह जो है पाकिस्तान में 5 लाख थे। ठीक है, इंडोनेशिया अफ्रीका में 5 लाख थे। ठीक है, इसके अलावा इंडोनेशिया में जो है वो 4,50,000 थे। ठीक है, बांग्लादेश में जो है वो 4,10,000 थे। ठीक है, तो इसी तरह इन कंट्रीज को जो है वो लिस्ट डाउन किया है। ठीक है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जिस तरह केसेस कम होते जा रहे हैं उस तरह उनको जो है वो नीचे रखा गया है। ठीक है, सो इसमें कौन कौन सी मुल्क, इंडिया है, चाइना है, अफ्रीका है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो कॉन्गो है, ये दो भी है। ठीक है, नाइजीरिया है, म्यांमार है। ठीक है, इसके अलावा वियतनाम है, रशियन फेडरेशन है। ठीक है, मोजम्बिक है, कीनिया है, थाईलैंड है, ब्राज़ील, तंजानिया, जिम्बाब्वे, युगांडा, अफगानिस्तान, कंबोडिया। ठीक है, ये सारे मुल्क है, वो 22 मुल्क है। ठीक है, वो 22 कंट्रीज है जिसके अंदर बर्डन ऑफ डिजीज जो ये बहुत
ज़्यादा नहीं, नहीं याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है, कि इतनी ज़्यादा इन कंट्रीज़ के अंदर जो ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ ये कि आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि 2011 में ये डिज़ीज़ इतनी ज़्यादा थी, ठीक है। गो थ्रू करना है, प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किस तरह स्प्रेड होता है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अक्सर स्कूलों में जो है वो बच्चों को मुख्तलिफ जो है वो रिसाले बुकलेट्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है वो चीज़ें शो होती है, ठीक है, बच्चों को ये चीज़ें बता दिए जाती हैं कि मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में, जो कॉमन डिजीज़ है कॉमन डिजीज़ के बारे में बता दिया जाता है, ठीक है, कॉमन डिजीज़ के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो कॉमन डिजीज़ के बारे में लिखा जाता है, उन्हें बता दिया जाता है कि कॉमन डिजीज़ के साइन सिम्टम्स क्या है, कॉमन डिजीज़ के जो है वो कॉमन डिजीज़ के साइन सिम्टम्स क्या है, कॉमन डिजीज़ को आपने प्रिवेंट कैसे करना है, उनको स्प्रेड कैसे होती है, ठीक है। तो इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस के बारे में ये कि ट्यूबरक्लोसिस जो है जब आप कफिंग करते हो और अपना माउथ जो है वो कवर नहीं करते, तो आप ये डिजीज़ जो है ये दूसरे पेशेंट्स को या दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे लोगों को जो है वो ट्रांसमिट कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा जो क्राउड प्लेसेस है, ठीक है, जहाँ पे वेंटिलेशन कम है, जहाँ पे वेंटिलेशन पुअर है, ठीक है, उन क्राउडेड प्लेसेस के अंदर चाहिए कि भी जो है ये बहुत जल्दी जो है ये स्प्रेड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आप अगर इधर उधर जो है वो स्प्लिट करते हो, इधर उधर जो है वो आप थूकते हो, ठीक है, तो इनके इन चीज़ों की वजह से जो है वो होता है, ठीक है। सो मुकद्दस के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम हो रही है या इंक्रीज, क्योंकि अब तो काफ़ी वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स आ गई है, ठीक है। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं ना, तो जब वैक्सीन टीबी का लगा दिया जाता है ना, जब वैक्सीन टीबी का लगा दिया जाता है, वो मैं आगे आप लोगों को बता भी रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब वैक्सीन टीबी का लगा दिया जाता है, तो आप जो है वो अगर आप जो है वो टेस्ट करा लेते हो टीबी का, ठीक है, तो आपका टीबी टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, आपका टीबी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है। सो वैक्सीनेशन के साथ जो है वो डिजीज़ काफ़ी हद तक जो है वो रुक भी गई है, लेकिन वैक्सीनेशन के कुछ नुकसान आज भी है इधर, क्योंकि जब आप वैक्सीनेशन करा देते हो, ठीक है, तो आपके अंदर जो आपके बॉडी के अंदर एक इसका एक लियन बनता है, ठीक है, वैक्सीन का भी एक लियन बनता है जो प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर जो है वो हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है, वो आगे मैं बता दूंगा। सो इसकी कुछ सिम्टम्स के बारे में पढ़ा था कि सीवियर सिम्टम्स ये होंगे कि परसिस्टेंट कफ रहेगा, ठीक है, चेस्ट पेन रहती है, इसके अलावा जो है वो कफिंग है, ठीक है, ब्लडी स्प्यूटम कफ करेगा, ठीक है, साथ में स्प्यूटम आएगा, स्प्यूटम के अंदर जो है वो ब्लड होगा, ठीक है, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, यूरिन का जो है वो कलर चेंज हो जाना, इसके अलावा जो है वो क्लाउडी या रेडिश यूरिन हो जाते हैं, ठीक है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो फीवर है, ठीक है, फीवर जो है वो चिल के साथ है, फटीग है, ठीक है, तो इन चीज़ों में जो है वो सीवियर सिम्टम्स जो है वो आ जाते हैं। सो पैथोजेनेसिस के बारे में काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि पैथोजेनेसिस जो है वो हमें दोबारा बता दे, ठीक है, कि इसका पैथोजेनेसिस जो है वो किस तरह का। सो जब भी आप किसी सोर्स के साथ आपका एक्सपोजर होता है, ठीक है, सोर्स का मतलब क्या है, जो बंदा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है, जो बंदा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है वो क्या है, वो सोर्स है, ठीक है। सो सोर्स के साथ जो है वो आपका एक्सपोजर होता है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप क्या कर लेते हो, जब आपका एक्सपोजर होता है सोर्स के साथ, तो ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई के अंदर जो है वो एरोसोल्स सर साइकिल में आपने सीज ग्रोथ का बताया था, वो अगेन बताया सीज ग्रोथ का बताया था, साइकिल तो मैंने बताया ही नहीं, किस चीज़ के साइकिल की बात कर रही हो निमरा, किस साइकिल की बात कर रही हो, इसी स्लाइड की सीज ग्रोथ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, सारा कुछ मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो एक्सपोजर टू सोर्स, ठीक है, हमारा जब एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है, सोर्स के साथ, जो फॉर एग्जांपल कोई भी सोर्स है, कोई भी बंदा हो, ठीक है, जो ड्रॉपलेट वो जो कफ करता है स्नीज करता है, उसके साथ जो ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स निकलते हैं, ठीक है, थीके?
जो वो एरोसोल्स और वो ड्रॉपलेट्स हमारी ऊपर लग जाते हैं या हम उन्हें जो है वो इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, तो 50% चांसेस ये है कि हमें इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, मोर देन 50% चांसेस ये होते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, 50% या 50% से ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया जो है वो लंग्स में पहुँच जाती है, ठीक है, या जब लंग्स में पहुँच जाती है तो ये मैक्रोफेजेस के अंदर चली जाती है, ये जब लंग्स में चली जाती है तो लंग्स के अंदर ये मैक्रोफेजेस के अंदर चली जाती है और मैक्रोफेजेस के अंदर जो है ये मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देती है, ठीक है। उसके अंदर क्या शुरू कर देती है, उसके अंदर जो है ये मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देती है। जब ये उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन शुरू करती है तो वहां पे एक ग्रेनुलोमेटस लियन बन जाता है, देखिए एक लियन, एक दाना, एक पोड़ा जैसे बन जाता है, ठीक है, जिसको हम केशियस निक्रोसिस भी कहते हैं। अब लियन जो है वो कैल्सिफाई हो जाता है, कभी कभार जो ये लियन जो है ये डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, अगर ये लीजन, अगर ये लियन, ये ग्रेनुलोमा, ये दाना जो है ये रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, ठीक है। 95% जो है वो क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी जो है इस लियन को जो है वो सीज कर देता है, इस लियन को जो है वो कैल्सिफाई कर देता है, इस लियन को जो है वो डिजॉल्व कर देता है, ठीक है, तो आपका जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है, जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन जाता है, तो इम्यून सिस्टम के डाउन जाने के साथ साथ जो है ये क्या हो जाता है, ये रीएक्टिवेट हो जाता है ये इन्फेक्शन, ठीक है, ये इन्फेक्शन जो है ये रीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, और साथ साथ जो है वो बैक्टीरिया जो है वो मैक्रोफेजेस के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई, अगर दोबारा से जो है वो फिर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और दोबारा से ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई, ये एक दफ़ा दोबारा देखो, ठीक है, बैक्टीरिया जो थी वो मैक्रोफेजेस के अंदर मल्टीप्लाई होना शुरू हो गई, ठीक है, एक ग्रेनुलोमेटस लियन बन गया, लेकिन वो लियन जो है वो क्या हो जाता है, कभी कभार जो वो लियन जो है वो कैल्सिफाई हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, जब कैल्सिफाई हो जाता है, ठीक है, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, ठीक है, वहाँ पे जब बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है तो जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे आपका, जैसे आप जो है वो इम्यूनो सप्रेस हो जाते हो, तो साथ ही जो है ये दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाती है और फिर से जो है ये मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देती है, ठीक है, एक तो ये बात थी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि ये लियन जो है ये लिक्विफाई हो जाता है, तो जब लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो ये पूरी बॉडी, क्योंकि ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड के जरिए जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, और मिलीडिटी भी बन जाता है और उससे जो है वो आपको डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा ये है कि ये लियन जो है ये ग्रेनुलोमेटस लियन, ठीक है, ये लिक्विफाई लियन भी जो है वो हम कफ में निकाल सकते हैं, ठीक है, जब हम कफ करते हैं, जब पेशेंट कफ करता है, जो लिक्विफाई लियन भी जो है वो कफ के अंदर आ जाता है, ठीक है, या स्प्यूटम के अंदर आ जाता है, और जो ग्रेनुलोमेटस लियन है वो भी स्प्यूटम के अंदर जो है उसके आसपास आ जाती है, ठीक है, उसके आसपास आती है, और ये डिजीज जो है ये आगे दूसरे लोगों को जो है ये ट्रांसमिट होती रहती है, ठीक है। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। क्लियर है, आगे चले। ठीक है, फिर पल्मोनरी टीबी की तरफ आती है, तो पल्मोनरी टीबी में मैंने आप लोगों को कहा था कि पल्मोनरी टीबी के अंदर जो है वो क्या है, वो दो टीबीज है, ठीक है, दो इन्फेक्शन, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। सो प्राइमरी क्या है, सो प्राइमरी क्या है, प्राइमरी का मतलब है द इन्फेक्शन ऑफ इन इंडिविजुअल हु हैज नॉट बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड आर इम्यूनाइज्ड इज कॉल्ड प्राइमरी
अदील बैक्टीरिया कैल्सिफाई नहीं होती, अदील बैक्टीरिया कैल्सिफाई नहीं होती, जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जिन्होंने एक लियन बनाया है, जिन्होंने जो है वो एक ग्रेनुलोमा बनाया है, वो ग्रेनुलोमा जो है वो हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कैल्सिफाई करता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया वहाँ पे फिर ऐसी रह जाती है, जब बैक्टीरिया वैसे रह जाती है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रोथ वहाँ पे लियन के अंदर होता है, ठीक है, जो ग्रेनुलोमा बनता है उसके अंदर होता है। तो क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया जो है उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है, ठीक है। जब बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो रुक जाता है उधर, तो फिर जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं, तो फेवरेबल कंडीशन के बाद जो है वो क्या होता है, दोबारा से जो है ये रीएक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद ठीक है, सो अदील समझ आ गई आपको कि बैक्टीरिया कैल्सिफाई नहीं होती, ठीक है, जो लियन बनता है, जो ग्रेनुलोमा बनता है वो कैल्सिफाई होता है, ठीक है। सो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ क्या है, द इन्फेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज नॉट बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड और इम्यूनाइज इज कॉल्ड प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस। आर गोन्स कॉम्प्लेक्स आर चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस, लियन फॉर्मिंग आफ्टर इन्फेक्शन इन पेरिफेरल एंड अगेन एक्कॉम्पेनीड बाय हाइलर व्हिच मे बी डिटेक्टेड ऑन चेस्ट रेडियोग्राफी। सो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। ठीक है, सो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब ये है कि एक बंदे को इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन वो बंदा जो है वो प्रीवियसली इन्फेक्टेड नहीं था, प्रीवियसली जो है वो इम्यूनाइज नहीं था। जब फर्स्ट टाइम, मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, मुझे पढ़ाने दे, ठीक है। सो जब इन्फेक्शन किसी इंडिविजुअल को होता है, जब वो उस बंदे को जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड नहीं है, जो इम्यूनाइज नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, या हम कहते हैं गोन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और या हम उसे चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। क्योंकि चाइल्डहुड में क्या होता है कि वो प्रीवियस से जो है वो न तो इम्यूनाइज है, प्रीवियस ना जो है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। सो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो लियन बनता है, ठीक है, लियन फॉर्मिंग आफ्टर इन्फेक्शन इज पेरिफेरल एंड अकॉम्पेनीड बाय हाइलर व्हिच मे बी डिटेक्टेबल ऑन चेस्ट रेडियोग्राफी, ठीक है। तो इसके अंदर जो लियन बनता है, ठीक है, वो लियन क्या है, जब इन्फेक्शन हो जाते हैं तो इन्फेक्शन के बाद जो है वो एक लियन बन जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन के बाद जो है वो एक लियन बन जाता है। सो तो जब लियन बन जाता है, ठीक है, तो ये लियन जो है इसे हम क्या कहते हैं, एक्कॉम्पेनीड बाय हाइलर। हाइलर क्या होता है, हाइलर का पता है किसी को, हाइलर कहते हैं हाइलम को, ठीक है, हाइलर कहते हैं हाइलम को। लंग्स के अंदर जो वेज शेप एरिया है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइलम बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर, जिस एरिया के ऊपर ब्रोंकाई, आर्टरीज, वेन्स, नर्व, सारी चीज़ें जो है वो अंदर हो जा रही है और बाहर को आ रही है, उसे क्या कहते हैं, उसे हाइलम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह लंग्स है, ठीक है, लंग्स के अंदर इसी तरह जो जगह होती है ना, जिसके अंदर ये सारी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स और सारी चीज़ें अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, ठीक है, इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को हाइलम बोलते हैं, ठीक है, इस एरिया को हाइलम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जब भी इसका लियन बनता है या जब भी इसका जो ग्रेनुलोमा बनता है, वो ग्रेनुलोमा या वो लियन क्या करता है, ये पेरिफेरी में चला जाता है और पेरिफेरी में जाके हाइलम के ऊपर जो है वो जाके हाइलम के पास जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, विच मे नॉट बी डिटेक्टेबल ऑन चेस्ट रेडियोग्राफी। सो जब ये हाइलम के ऊपर अटैच हो जाता है, इसी वजह से जो है ये क्या है, इसी वजह से जो है वो चेस्ट एक्सरे के ऊपर डिटेक्टेबल नहीं है,
देखो इन्फेक्शन हो गया, प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जो है वो एक लियन बन गया या एक ग्रेनुलोमा बन गया। जब ये लियन और ग्रेनुलोमा बन जाता है ठीक है, तो ये साइड पे चला जाता है, ये ग्रेनुलोमा साइड पे जाके हाइलम के साथ अटैच हो जाता है ठीक है। तो हाइलम वो एरिया है जिस एरिया के अंदर जो है वो सारी नर्व, सारी एयरट्री, सारी वेन, सारी चीज़ें जो मौजूद है ठीक है, एंटर हो रही है या बाहर आ रही है ठीक है। जब ये वहाँ पर एंटर हो जाता है या वहाँ पर अटैच हो जाता है, तो वहाँ पर अटैचमेंट के बाद क्या होता है, वहाँ पे अटैचमेंट के बाद जो है ये फिर आप अगर चेस्ट एक्सरे में जो है इसे देखो तो ये आप इसे जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते ठीक है, आप फिर इसे जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन, गून्स कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, गून कॉम्प्लेक्स जो इस लियन की वजह से कहते हैं ठीक है, क्योंकि ये जो लियन बनता है इसके अंदर जो ये ग्रेनुलोमा बनता है, उस ग्रेनुलोमा को या उस लियन को जो है वो हमने नाम दिए गून्स कॉम्प्लेक्स ठीक है। गून कॉम्प्लेक्स जो है वो लियन है जो कि लंग्स के अंदर जो है वो हम देखते हैं ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से बनता है ठीक है। गून्स कॉम्प्लेक्स हम इसे किस लिए कहते हैं, गून्स कॉम्प्लेक्स हम इसे कहते हैं उसकी वजह से, ओके यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। सो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस की तरफ जाती है, सो सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, द इन्फेक्शन दैट इंडिविजुअल हु हैज बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड और सेंसिटाइज स्कार सेकेंडरी और पोस्ट प्राइमरी और री इन्फेक्शन ऑफ क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये उन जब कोई इंडिविजुअल जो है वो प्रीवियसली इन्फेक्टेड हो, एक दफा इन्फेक्टेड हुआ हो ठीक है, या उसके ऊपर जो इस ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया हो, या इस ऑर्गेनिज्म को जो है या इस इंडिविजुअल को जो है वो वैक्सीनेटेड किया गया हो ठीक है। तो जब हम वैक्सीन निकालते हैं ना, तो वैक्सीन की वजह से भी इसकी बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो है एक ग्रेनुलोमा बन जाता है ठीक है। अगर आप टेस्ट करा लेते हो, जो जिन जिन को वैक्सीनेशन हुई है ना ट्यूबरक्लोसिस की, वो लोग अगर जाके टेस्ट करा लेते हैं ना ट्यूबरक्लोसिस का, तो उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा ठीक है, उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा ठीक है। सो इन्फेक्शन सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है, सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन या उन इंडिविजुअल के अंदर इन्फेक्शन जो कि प्रीवियसली जो है वो इन्फेक्टेड हो या सेंसिटाइज हो ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पोस्ट प्राइमरी बोलते हैं या उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं या उसको हम री इन्फेक्शन बोलते हैं ठीक है, या क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, वैक्सीनेटेड लोगों का टेस्ट क्यों पॉजिटिव आएगा ठीक है, वैक्सीनेटेड बच्चों लोगों का जो है वो टेस्ट क्यों पॉजिटिव आएगा, बिकॉज दिस कह रही है कि ये कन्फ्यूजिंग है।
वैक्सीनेशन मौसम में आप क्या देते हो? वैक्सीनेशन के अंदर आप जो है वो ऑर्गेनिज्म देते हो, ठीक है। वैक्सीनेशन के अंदर जो है आप वो ऑर्गेनिज्म देते हो, ठीक है। सेम ऑर्गेनिज्म जो है वो आप इंजेक्ट कर लेते हो, लेकिन उसकी वायरुलेंस जो है वो आप कम कर देते हो, ठीक है। सेम ऑर्गेनिज्म जो है वो आप इंसर्ट कर लेते हो, ठीक है, लेकिन उसका वायरुलेंस कम होता है। वायरुलेंस कम होने का मकसद ये है कि वो आपको डिजीज कॉज नहीं करता, लेकिन आपके अंदर जाके सेम ग्रेनुलोमा बनाएगा, सेम आपके अंदर जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो सेम ही बनाएगा। इसी वजह से जो है वो आप जब चेक कर लेते हो, ठीक है, तो आपको जो है वो बंदा जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। ओके ओके सर, अगर इनका टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो क्या उनको डिजीज़ भी होगी क्या? पॉसिबिलिटी ये, अगर ये बंदा जो है इसको दोबारा सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो इसे डिजीज़ हो सकती है। इसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, इसके अंदर प्राइमरी इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक दफा उसके अंदर ऑलरेडी ग्रेनुलोमा जो है वो बन चुका है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, सेकेंडरी तब में क्या पुराना इन्फेक्शन ही दोबारा पॉजिटिव एजेंट बनेगा या न्यू इन्फेक्शन विल कॉज सेकेंडरी? पुराना भी बन सकता है, न्यू जो है वो भी कर सकता है, ठीक है। पुराना भी मरियम शेजर का क्वेश्चन है कि सेकेंडरी में क्या पुराना इन्फेक्शन ही दोबारा जो है वो पॉजिटिव बने ऑर्गेनिज्म जो है वो बनेगा, एजेंट बनेगा, या न्यू इन्फेक्शन जो है वो कॉज होगा? पुराना भी हो सकता है और न्यू जो है वो भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी थ्रेटनिंग होगा या फिर प्राइमरी थ्रेटनिंग? तो दोनों है, वो तो ऐसी नहीं है कि थ्रेटनिंग कोई है स्पेसिफिक, थ्रेटनिंग दोनों है, ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम साइन सिम्टम आ गए। प्राइमरी और सेकेंडरी का सिर्फ यहाँ पे मकसद ये है आप लोगों को बताने का कि प्राइमरी वो है जो कि बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो रहा हो, ठीक है। अगर कोई बंदा जो है वो वैक्सीनेटेड है और उसके अंदर बाद में जो है वो इन्फेक्शन होता है तो उसे हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहेंगे, ठीक है। अभी अगर आप लोग अभी अब हम लोग जो है वो अगर टेस्ट करा रहे तो हम सबने जो है वो पॉजिटिव आना है, हर सारे जो है वो पॉजिटिव होंगे, केस पॉजिटिव, ठीक है, केस पॉजिटिव। सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?
ठीक है, क्लियर। ओके, अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, ठीक है, पल्मोनरी के बाहर, ठीक है, टीबी के बाहर जो है वो कितनी जो है वो इन्फेक्शन हो सकते हैं, या टीबी नहीं, सॉरी, लंग्स के बाहर, ठीक है, लंग्स के बाहर जो ट्यूबरक्लोसिस होता है या जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो 20% पेशेंट्स को जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, ठीक है। अब इनमें से किन किन जगहों पे जो है वो टीबी होता है, फर्स्ट जो है वो क्या है, वो लिम्फ नोड का है, लिम्फ नोड टीबी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ट्यूबरक्लस लिम्फ एडिनाइटिस कहते हैं, ट्यूबरक्लस लिम्फ एडिनाइटिस। सो ये ट्यूबरक्लस लिम्फ एडिनाइटिस जो है ये मोस्टली एचआईवी के इन्फेक्टेड पेशेंट्स में होता है, ठीक है। जो एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ट्यूबरक्लस लिम्फ एडिनाइटिस जो ये ज़्यादातर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर हम इनके सिम्टम्स देख ले तो पेनलेस स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड मोस्ट कॉमनली इट सर्वाइकल एंड सुप्रा क्लेविकुलर सिस्टमैटिक सिस्टम आर लिमिटेड टू एचआईवी इन्फेक्शंस, ठीक है। एचआईवी इन्फेक्शन जब भी होता है ना उसमें उसके अंदर सिस्टमैटिक इन्फेक्शन जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो लिम्फ एडिनाइटिस है, ठीक है, या जो ट्यूबरक्लस लिम्फ एडिनाइटिस है, ट्यूबरक्लस लिम्फ एडिनाइटिस या लिम्फ नोड टीबी जो है ये मोस्टली एचआईवी के पेशेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। इनके अंदर अगर आप लोग देख लो तो आपको जो है वो सर्वाइकल और सुप्रा क्लेविकुलर एरिया के ऊपर, सर्वाइकल और सुप्रा क्लेविकुलर एरिया के ऊपर, क्लेविकल नहीं है, क्लेविकल बोन जो है जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन के ऊपर अगर आप लोग देख लो ना, अगर आप लोग टच करो तो आप लोगों को जो है वो लिम्फ नोड जो है वो स्वेल मिलेंगे, ठीक है, आप लोगों को जो है वो स्वेल लिम्फ नोड मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो सर्वाइकल एरिया पे जो है वो आपको लिम्फ नोड मिलेंगे। ठीक है, सो लिम्फ नोड टीबी के अंदर ट्यूबरक्लोसिस लिम्फ एडिनाइटिस के बारे में क्या है कि ये एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर इसके अंदर जो है वो हम सिम्टम्स को देखें तो इसके अंदर जो है वो आपकी लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाती है, पेनलेस स्वेलिंग होती है, ठीक है, उसके कोई पेन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आपको लिम्फ नोड जो है वो स्वेल मिलेंगे, ठीक है। सर्वाइकल और सुप्रा क्लेविकुलर एरिया के ऊपर आपके लिम्फ नोड जो है वो स्वेल होंगे, ठीक है। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। क्या पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को क्यों ट्यूबरक्लोसिस कह सकते हैं, बिकॉज द इंडिविजुअल इज अनइम्यूनाइज्ड, या तो आप मुझे ये बताएं कि एक्यूट और क्रॉनिक का कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों का, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी इन्फेक्शन हो ना, कोई भी इन्फेक्शन हो, कुछ लोग जो है वो एक्यूट और क्रोनिक को कहते हैं कि तीन हफ्ते बाद, जब तीन हफ्ते से पहले पहले जो इन्फेक्शन होता है उनको हम एक्यूट कहेंगे, ठीक है, और अगर तीन हफ्ते से बाद हो जाए तो उन्हें हम क्रोनिक कहेंगे, ठीक है। कुछ बुक्स ये कह रही है कि तीन महीने तक जो इन्फेक्शन रहता है उन्हें हम जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है, और तीन महीने बाद जो है वो जब इन्फेक्शन होता है उसको हम क्रोनिक इन्फेक्शन कहेंगे। ओके, लुबाइना कह रही है कि दोबारा से रिपीट कर ले, ठीक है। सो लिम्फ नोड टीबी हमने पढ़ लिया, ठीक है, लिम्फ नोड टीबी क्या है, ट्यूबरक्लस लिम्फ एडिनाइटिस उसे कहते हैं, ट्यूबरक्लस लिम्फ एडिनाइटिस, ठीक है, ये मोस्टली जो है एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट के अंदर होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको सुप्रा क्लेविकुलर एरिया के ऊपर और सर्वाइकल एरिया के ऊपर जो है आपको पेनलेस लिम्फ नोड जो है वो स्वेल मिलेंगे, ठीक है, लिम्फ नोड जो है उसकी स्वेलिंग होगी लेकिन उसके अंदर पेन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो प्लूरल टीबी है, प्लूरल टीबी क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्लूरा इज कॉमन इन प्राइमरी टीबी एंड रिसर्व फॉर्म पेनेट्रेशन ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई इनटू प्लूरल स्पेस।
प्लूरल टीवी है, असल में प्लूरल स्पेस क्या है, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्लूरल स्पेस क्या है। सो प्लूरल स्पेस क्या है, प्लूरल स्पेस वो स्पेस है जिसके अंदर जो है वो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो जब आपके लंग्स से जो है वो ऑर्गेनिज्म निकल के जो है वो प्लूरल स्पेस के अंदर चली जाती है, तो वो प्लूरल स्पेस के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर लेते हैं, ठीक है। जब आप क्या जब ट्यूबरकल बेसिलाई जो है जो टीबी के लिए जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसको हम एसिड फ्रांस बेसिलाई कहते हैं, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, ठीक है, तो इसको ट्यूबरकल बेसिलाई भी कहते हैं, ठीक है। जब ये ट्यूबरकल बेसिलाई जो है ये आपकी लंग से निकल के प्लूरल स्पेस के अंदर चले जाते हैं, तो ये प्लूरल स्पेस के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर लेते हैं, ठीक है, और प्लूरल स्पेस के अंदर जो है वो टीबी कॉज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टीबी ऑफ अपर एयरवे, ठीक है। अपर एयरवे का टीबी क्या है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेरिंग्स पेरिंग्स एंड एपिग्लोटस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेरिंग्स पेरिंग्स एंड एपिग्लोटस, ठीक है। आपका जो लेरिंग्स है, आपका जो पेरिंग्स है और जो एपिग्लोटस है, ठीक है, ये तीनों चाहिए इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हिरासपुर कह रही है प्योर स्पेस फेस इन विच लंग्स प्रेजेंट, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो अपर एयरवे के टीबी में क्या है कि लेरिंग्स इन्वॉल्व हो जाता है, पेरिंग्स इन्वॉल्व हो जाता है और एपिग्लोटस जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप साइन सिम्टम्स देखो तो सिम्टम्स जो है वो डिस्पेजिया होगा, ठीक है, आपको जो है स्वॉलिंग के अंदर जो है वो डिफिकल्टी फील होगी, ठीक है। इसके बाद जो है वो प्रोडक्टिव कफ होगा, ठीक है, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद, ठीक है, अब जेनेटिक यूरिनरी टीबी के बारे में अगर हम देखें तो जितनी भी पल्मोनरी केसेस होते हैं ना उनके अंदर 15% जो है वो हमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस जितने आते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस के अंदर 15% जो है ये हमें जेनेटो यूरिनरी टीबी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद एनी पार्ट ऑफ द जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट गेट इन्फेक्टेड, ठीक है, इसमें जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट जो है वो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, डिस्यूरिया और हिमचोरिया, ठीक है, आपको जो है वो बार बार जो है वो यूरिन आएगा, ठीक है, यूरिन के अंदर जो है वो डिस्यूरिया होगा, ठीक है, डिफिकल्टी होगी यूरिन के अंदर, पेन फील होगा, ठीक है, और साथ साथ जो है वो ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, हिमचोरिया भी होगा। हिमचोरिया क्या है, ब्लड इन यूरिन, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, जेनेटो यूरिनरी तक की सवाल, कोई क्वेश्चन, डिस्यूरिया, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन। डिस्यूरिया का मतलब है पेनफुल यूरिनेशन, डिस्पेजिया का मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग। ठीक है, सो आगे देखते हैं, ठीक है, स्केलेटल टीबी है, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेट बियरिंग पार्ट लाइक स्पाइन, हिप, नी, ठीक है। स्केलेटल टीबी के अंदर आपका वो एरिया इन्वॉल्व हो जाता है जिसके ऊपर आपका पूरा वेट पड़ रहा हो, ठीक है, जिसके ऊपर आपका पूरा वेट पड़ता हो, ठीक है, जिस तरह स्पाइन है, जिस तरह हिप है, जिस तरह नी एरिया है, ठीक है, आपके वो एरियाज इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर जिस तरह आपका स्पाइन, हिप और नीज है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका पूरा वेट जो है वो
आपका पूरा वेट पड़ता हो, ठीक है। इसके अलावा सिम्टम्स है, ठीक है, सिम्टम्स क्या है, पेन इन हिप जॉइंट इन नीज, स्वेलिंग ऑफ नीज इन ट्रॉमा, ठीक है। आपके सिम्टम्स क्या होंगे, आपकी हिप जॉइंट्स, आपकी नी जॉइंट के अंदर पेन होगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी नीज के ऊपर जो है वो स्वेलिंग होगी, ठीक है, आपकी नीज के ऊपर जो है वो ट्रॉमा होगा, ठीक है। उसके बाद गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल टीबी है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल टीबी में जो है वो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी के अंदर जो है वो क्या होगा, आपकी किस जीआई ट्रैक्ट का कोई भी पार्ट जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है, आपका कोई भी पार्ट जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। सो सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स जो है वो एब्डोमिनल पेन रहेगा, डायरिया होगा, ठीक है, वेट लॉस होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो टीबी मेनिंजाइटिस या मेनिंजाइटिस ट्यूबरकुलर, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 5% जितने भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस आते हैं ना, जितने भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आते हैं उसमें 5% जो है वो मेनिंजाइटिस टीबी होता है, ठीक है। और ये कब होता है, रिजल्ट फ्रॉम हेमेटोजेनस स्प्रेड अप 1 to 2 टीबी, ठीक है, जो प्राइमरी टीबी है, सेकेंडरी टीबी है, जब ये क्या हो जाता है, जब ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, मेनिंजीज के ऊपर, ठीक है, तो तब जो है ये डिजीज हमें कॉज होती है, ठीक है। अब हेमेटोजेनिक स्प्रेड क्या है, हेमेटोजेनिक स्प्रेड असल में क्या है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जब स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, तब जो है ये मेनिंजीज के अंदर पहुंच जाते हैं, और मेनिंजीज के अंदर जो है ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं फिर, ठीक है। उसके बाद है टीबी पेरिकार्डियाइटिस, ठीक है, टीबी पेरिकार्डियाइटिस क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी केसेस के अंदर 1 to 8% जो है ये सारे होते हैं, ठीक है, स्प्रेड मेनली इन मीडियास्टिनल और हाइलर नोड और फ्रॉम लंग्स, या तो लंग्स से जो है वो, क्योंकि लंग्स और हार्ट के दरमियान जो है वो ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है, ठीक है, ब्लड उनके अंदर जो है वो एक्सचेंज होता रहता है, तो लंग्स से जो है वो कभी कभार लंग्स से जो है ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। मीडियास्टिनल एरिया से या जो हाइलम नोड है, जो हाइलम है, ठीक है, उसके जरिए जो है ये स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो मिलरी या डिसिमिनेटेड टीबी है, मिलियरी या डिसिमिनेटेड टीबी जो है वो क्या है, मिलेरिया डिसिमिनेटेड टीबी जो है वो हेमेटोजेनस स्प्रेड ऑफ ट्यूबरकल बेसल है, ठीक है, जब ब्लड के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, तो स्प्रेड इज ड्यू टू इंट्रा इन्फेक्शन इन टू पल्मोनरी वेन, ठीक है, आपका इन्फेक्शन जो है वो पल्मोनरी वेन के अंदर चला जाता है, ठीक है, पल्मोनरी वेन के जरिए जो है वो एक लियन बना देता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइड्स के ऊपर, ठीक है, पल्मोनरी वेन के जरिए जो है वो आगे ब्लड आगे चला जाता है, ठीक है, किसी और वेन में, ठीक है, और वहाँ से जो है वो कम्प्लीटली सारा ब्लड जो है वो इधर उधर जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइड्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट एरियाज के ऊपर लियन बना लेते हैं, ठीक है, और ये पूरी बॉडी में जो ये फैल जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो लेस कॉमन एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, लेस कॉमन टाइप्स भी है कुछ, ठीक है, जो कि इतने कॉमन नहीं है, यूवाइटस है, ठीक है, या पेनोप्टेल्माइटस है, ठीक है, या पेनफुल हाइपर सेंसिटिविटी रिलेटेड टू प्लेसेंटिकुलर कंजक्टिवाइटस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेस कॉमन है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यूवाइटिस और पेनोप्टेल्माइटिस जो है ये दोनों आईज के अंदर होती है, ठीक है, ये दोनों आईज के अंदर है। तीसरा जो है वे प्लेंटिकुलर जो कंजक्टिवाइटिस है ये भी जो है ये आईज के अंदर होता है, ठीक है, ये भी मोस्टली आईज के अंदर ही ये इन्फेक्शन कॉज होती है, ठीक है। तो ये जो तीनों है, ठीक है, तीनों जो है ये क्या, ये आई इन्फेक्शन है। आई का जो वॉल मेरा मिडल लेयर जो आई का यूविया, उसके अंदर जब इन्फेक्शन होता है ना, उसे यूवाइटिस कहते हैं। फाइनली सबने इलेक्शन नहीं लिया था, फाइनल ईयर के साथ तो मिस चंदा ले रही है लेक्चर आई को। मेरे पास मेरा लेक्चर था लेकिन वो एक्सचेंज हो गया है। पेनोप्टेल्माइटिस जो इंट्राऑकुलर स्ट्रक्चर्स है ना आई के अंदर, ठीक है, मोस्टली ये
उनके अंदर होता है मोस्टली, ये जो एनिमल्स होते हैं ना उनके अंदर आता है। देखिए यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हिमचूरिया कुछ नो थी, हिमचूरिया का पूछ रहा है, हिमचूरिया इज ब्लड इन यूरिन। हिमचूरिया इज ब्लड इन यूरिन, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ब्रेक अभी नहीं, ब्रेक में लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। ब्रेक में लास्ट में दे दूंगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मैम आप तो नहीं गई, नहीं अधिक टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ कॉन्फ्रेंस एक कॉन्फ्रेंस की वजह से कुछ टीचर्स उधर गए, वजह से जो है वो डबल लेक्चर है, ठीक है। सो अब डायग्नोसिस की तरफ आती है, ठीक है। तो डायग्नोसिस हम इस तरह इसको किस तरह कर लेते हैं डायग्नोस, ठीक है। सबसे पहले जो है वो बैक्टेरियोलॉजिकल टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बैक्टेरियोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक जीर नेल्सन स्टेनिंग करते हैं जिसको हम जेडिन स्टेनिंग बोलते हैं, ठीक है। जीर नेल्सन स्टेनिंग करते हैं जिसको हम जेडिन स्टेनिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है एरमाइन स्टेन कर लेते हैं, ठीक है। ये दूसरा स्टेन है जिसमें फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्टेनिंग कर लेते हैं, लेकिन स्टेनिंग के ऊपर जो है वो हम फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोपी कर लेते हैं, ठीक है। और उससे हमें बैक्टीरियाज जो है वो शो होंगे, या बैक्टीरियाज जो है वो हमें ब्राइट कलर जो है वो नज़र आता है, ठीक है।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्प्यूटम कल्चर टेस्ट भी करा लेते हैं, ठीक है। स्प्यूटम कल्चर टेस्ट में जो है वो एलजे सॉलिड मीडियम जो है, एक लेविंसन जेंसन जो है, एक मीडियम है, ठीक है, मुख्तलिफ मीडियम से, ठीक है, मुख्तलिफ मीडियम जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से मीडियम से या कौन कौन से कल्चर मीडिया जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम जो है इसके अंदर जो है वो तीन मीडिया जो है इसमें कल्चर करा सकते हैं, एक लेविंसन लेविंस्टीन जेंसन से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो लिक्विड मीडियम से कर लेते हैं, और तीसरा जो है वो एगर मीडियम से कर लेते हैं, ठीक है। तो लेविंस्टीन जेंसन मीडियम से जो है ये एक सॉलिड मीडियम है, इससे जो है ये 4 to 18 weeks की दिए करते हैं, ठीक है। लेविंस्टीन जेंसन से जो है ये 4 to 18 weeks की दिए करते हैं, ठीक है। लिक्विड मीडियम से जो है वो 8 to 14 days लगते हैं, ठीक है। और एगर मीडियम के अंदर जो है वो 7 to 14 days जो है ये लग जाते हैं, ठीक है। एकर्स और मीडियम्स, ये सारी चीज़ें जो है ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन, चलो रेडियोग्राफी कर लेते हैं, ठीक है। रेडियोग्राफी में हम चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं, ठीक है। रेडियोग्राफी में हम चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं और चेस्ट एक्सरे के ऊपर देखते हैं कि कहाँ पे जो है वो हमें अफेक्टेड एरिया या जो नोड्यूल्स वगैरह है वो हमें कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन क्या है कि हम स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। सेवरल घंटे लगते हैं, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी जो है ये बहुत लो है, ठीक है, और कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हम स्पीशीज को बहुत अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ही घंटों में, लेकिन इसका सेंसिटिविटी जो है ये कम है, ठीक है, और कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें मोस्टली केसेस जो है वो मिस हो जाती है, ठीक है। सो मोस्ट यूजफुल फॉर द रिपीट कन्फर्मेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन अ पर्सन विद ए बी पॉजिटिव स्प्यूटा, ठीक है। इनके लिए ये अच्छा है कि जो लोग जो है वो हमें पहले से जो है वो पता चल जाता है कि एसिड पास बेसिलाई के लिए ये पॉजिटिव है, ठीक है। जिनका हम स्पूटम कल्चर वगैरह करा लेते हैं और स्पूटम कल्चर के अंदर जो है ये लोग पॉजिटिव निकल आते हैं, ठीक है। उस पॉजिटिविटी के बाद अगर हम दोबारा जो है वो रैपिड कन्फर्मेशन कर लें, ठीक है, तो रैपिड कन्फर्मेशन के अंदर जो है ये यूजफुल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है वो, ठीक है, और एएपी नेगेटिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, जो ट्रीटमेंट क्या है ये मोस्टली हम किन के लिए कर लेते हैं, ठीक है, मोस्ट यूजफुल उनके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इनके लिए कर लेते हो एएपी नेगेटिव पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है, तो और अगर उनके लिए भी कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, जिनका असल में इसमें होता क्या है, असल में इसमें ये आता है कि कभी कभार जो हमें पल्मोनरी टीबी जो है वो क्या आ जाता है, टीबी पल्मोनरी टीबी जो है वो एसिड पास बेसिलाई के लिए नेगेटिव आ जाता है। जो अगर पल्मोनरी टीबी जो है वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या है कि फिर हमने एक्स्ट्रा पल्मोनरी की तरफ जाना है, ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी की तरफ जाना है। तो फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो हम इससे चेक कर सकते हैं। ए बी का मतलब है एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। एक टेस्ट और है जिस जो हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था, जब हमने जो है वो हम एलर्जीज वगैरह पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने एक टेस्ट के बारे में पढ़ा था जिसको हम कहते हैं ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट, ठीक है। ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट के बारे में पढ़ा था, याद है किसी को? ट्यूबरक्लीन टेस्ट के बारे में पढ़ा था, इसमें हमने पीपीडी के बारे में पढ़ा था, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट जो है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट के अंदर जो है वो पीपीडी होता है, ठीक है। पीपीडी क्या है? पीपीडी जो है वो प्यूरिफाइड
प्रोटीन डेराइवेटिव्स हैं, ठीक है, प्योरीफायर प्रोटीन डेराइवेटिव्स हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्किन टेस्ट कर लेते हैं, टीबी के लिए ये बेस्ट टेस्ट है, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द स्किन ऑफ द लोअर आर्म, लोअर आर्म के अंदर जो है वो हम फ्लूइड जो है वो इंजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 48 to 72 hours तक जो है वो हम चेक करते हैं कि आया 48 से 72 hours के अंदर जो है यहाँ पे रिएक्शन होता है कि नहीं होता, ठीक है। अगर 48 से 72 hours के अंदर जो है वो इन्फेक्शन होता था, ठीक है, रिएक्शन जो है वो हो जाता है, तो हम कह देते हैं कि चलो इस बंदा, ये बंदा जो है ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। अगर किसी को नहीं होता तो वो बंदा जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होता। क्या यू आई ओ पी निशा क्या कह रही हो, किधर है यू आई ओ पी, अच्छा ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सो ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट जो है ये क्या, ये पीपीटी है। पीपीटी क्या है, प्रोटीन प्योरीफायर प्रोटीन डेराइवेटिव, ठीक है। वो हम इंजेक्ट कर लेते हैं स्किन के अंदर, इधर देखिए आप, ये देखिए इंजेक्ट कर लिया स्किन के अंदर, ठीक है। जब स्किन के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं उस जो एरिया जो है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, उस एरिया को हम क्या कर लेते हैं, उस एरिया को हम इसी तरह अंडरलाइन कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं, और 48 से 72 आवर्स तक जो है वो हम चेक कर लेते हैं। 42 टू 78 आवर्स बाद जो है वो हम इस एरिया को चेक कर लेते हैं। अगर ये एरिया जो ये बढ़ गया, ठीक है, अगर ये एरिया जो ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, या इस एरिया के अंदर जो है वो रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि डायग्नोज जो है वो हम किस चीज़ की बेस पे बनाते हैं। डायग्नोज जो है वो हम बनाते हैं व्हील के साइज के बेस पे। डायग्नोज इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ व्हील, जो साइज ऑफ व्हील बनता है। प्योरीफाइड प्रोटीन डेराइवेटिव पीपीडी, ये जो पीपीडी हम बार बार बोल रहे हैं ना, ये क्या, ये प्योरीफाइड प्रोटीन डेराइवेटिव है, ठीक है। इसको हम मोंटॉक्स टेस्ट भी कहते हैं, मोंटॉक्स टेस्ट। इसको हम मोंटॉक्स टेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम मोंटॉक्स टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम साइज को देखते हैं, व्हील के साइज के बेस पे हम जो है वो डायग्नोज कर लेते हैं, ठीक है। वन डोज इज इक्वल टू 0.1 ml, एक डोज में हमने कितना देने है 0.1 ml, जिसके अंदर 0.04 माइक्रोग्राम ट्यूबरक्लीन का प्योरीफाइड प्रोटीन डेराइवेटिव प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्योरीफाइड प्रोटीन डेराइवेटिव प्रेजेंट होता है, एक डोज में कितना प्रेजेंट होता है, एक डोज के अंदर 0.1 ml हमने देना है। उस 0.1 ml के अंदर जो है वो 0.4 माइक्रोग्राम ड्रग होता है, 0.4 माइक्रोग्राम ड्रग होता है, ठीक है। क्योंकि जितना फ्लूइड हम लेते हैं ना, वो कंप्लीट फ्लूइड जो है वो कभी भी जो है वो पूरा फ्लूइड जो है वो ड्रग नहीं होता, ठीक है। पूरा फ्लूइड या पूरा अमाउंट जो है वो ड्रग नहीं होता, ठीक है। तो एक डोज के अंदर आपने 0.1 ml देना है, ठीक है। 0.1 ml के अंदर 0.04 माइक्रोग्राम ट्यूबरक्लीन पीपीडी जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। पीपीडी का मतलब है प्योरीफाइड प्रोटीन डेराइवेटिव्स, ठीक है। एंटीबायोटिक का रिएक्शन चेक करने के लिए भी तो ऐसे ही डोज देते हैं, बिल्कुल एंटीबायोटिक के रिएक्शन चेक करने के लिए भी देते हैं, ठीक है। इसमें हम जो प्रोटीन डेराइवेटिव्स को चेक करने के लिए भी इस तरह देते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी ड्रग या किसी भी ड्रग सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट कर लेसन में सेंसिटिविटी टेस्ट है, ठीक है। लेसन में सेंसिटिविटी टेस्ट है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोंटॉक्स टेस्ट, मोंटॉक्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, मोंटॉक्स टेस्ट है, ठीक है। जी जी बिल्कुल, एंटीबायोटिक के लिए भी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है।
सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ट्यूबरक्लीन टेस्ट को इंटरप्रेट करना है आप लोगों ने, कैसे इंटरप्रेट करना है? ठीक है, ट्यूबरक्लीन टेस्ट को इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ट्यूबरक्लीन आपने डायमीटर देखना है इंड्यूरेशन का, ठीक है, जो इंड्यूरेशन बनी है या जो लाइन बनी है, ठीक है, उसका क्या करना है, उसका डायमीटर आप लोगों ने चेक करना है, ठीक है, उसका डायमीटर आप लोगों ने चेक करना है। सो अगर इसका डायमीटर जो है वो लेस देन 6 मिलीमीटर, ठीक है, अगर इसका डायमीटर जो है वो लेस देन 6 मिलीमीटर हो तो आपने क्या करना है, अपना इंटरप्रिटेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्शन, प्रीवियसली अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल में बी गिवन बीसीजी प्रोवाइडेड दे आर नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, अगर इसका जो डायमीटर है वो 6 mm से जो है वो कम आता है तो इसका मतलब है पेशेंट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, पेशेंट नेगेटिव है। और आपने क्या करना है, इसका मतलब ये कि ये प्रीवियस, अगर आप पहले जो है उसे वैक्सीन नहीं दिया गया तो आपने क्या करना है, आपने उसे BCG वैक्सीन दी देनी है, ठीक है, आपने इसे BCG वैक्सीन देनी है। अगर 6 mm का आता है, ठीक है, या 6 mm से लेके 12-15 mm तक आता है, 6 mm से लेके 15 mm तक अगर जो है वो इंड्यूरेशन आती है, ठीक है, वो जो स्वेलिंग है, ठीक है, अगर वो 6 mm से लेके 15 mm तक हो तो फिर आपने क्या करना है, 6 mm से लेके अगर 15 mm तक हो तो हाइपर सेंसिटिविटी टू ट्यूबरक्लीन प्रोटीन, तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो है ये हाइपर सेंसिटिव है ट्यूबरक्लीन को, ठीक है, और मे बी ड्यू टू प्रीवियस TB इन्फेक्शन BCG आर एक्सपोजर टू एयर टिपिकल माइकोबैक्टीरिया, ठीक है, या तो इसके अंदर जो है ये कोई प्रीवियस TB इन्फेक्शन है, ठीक है, या जो है वो BCG वैक्सीन है, कभी पुरानी पहले जो है इसने BCG वैक्सीन ली है, ठीक है, या जो है कोई माइकोबैक्टीरिया आया, ठीक है, और उसके साथ इसका एक्सपोजर हुआ है। BCG वैक्सीन क्या है? चलो जी, TB वैक्सीन जो है वो क्या है, वो BCG वैक्सीन है, ठीक है, TB वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, BCG वैक्सीन कहते हैं। BCG क्यों कहते हैं? BCG जो है ये हम कहते हैं बेसिलिकार्मेट गिवरीन, ठीक है। BCG वैक्सीन, जो TB वैक्सीन हम लगा लेते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम BCG वैक्सीन कहते हैं, ठीक है, बेसिलिकार्मेट गिवरीन कहते हैं, ठीक है, गिवरीन ये पूरा नाम है इसका BCG का, ठीक है। TB के लिए जो वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, उसे BCG वैक्सीन कहते हैं, ठीक है, जो कि हर एक बंदे के काम होती है, राइट पे या लेफ्ट पे,
अपने आर्म्स के ऊपर आप लोग देख लो, ठीक है, आप लोगों के आर्म के ऊपर एक निशान होगा, आप लोगों के आर्म के ऊपर एक निशान होगा, ठीक है। वो किस चीज का निशान है? वो BCG का निशान है, ठीक है, वो BCG का निशान है। इसके अलावा अगर 15 mm से ये इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, फिर हम BCG जो है वो अगर 6 to 15 mm का आता है तो फिर आपने BCG वैक्सीन जो है वो नहीं देनी, ठीक है। अगर 15 mm से ज़्यादा आता है तो स्ट्रॉन्गली हाइपर सेंसिटिव टू ट्यूबरक्लीन प्रोटीन सजेस्टेड ऑफ TB इन्फेक्शन और डिजीज़। इसका मतलब ये है कि 15 से अगर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्गली ये बनना चाहिए इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है, इसे TB है, ठीक है, इसे आपने BCG नहीं देना, ठीक है। इसलिए आपने जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है और साथ साथ जो है वो कीमोथेरेपी देनी है। कीमोथेरेपी वो कैंसर वाली कीमोथेरेपी नहीं है, कीमोथेरेपी का मतलब है थेरेपी, कीमोथेरेपी का मतलब है थेरेपी विद केमिकल, ठीक है, थेरेपी विद केमिकल। थेरेपी विद केमिकल का क्या मतलब है? आपने इसे मेडिकेशन देनी है, ठीक है। अगर 15 mm से ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये बंदा इन्फेक्टेड है, ठीक है, आपने इसे BCG वैक्सीन नहीं देना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करानी है और साथ साथ जो है वो आपने इसे मेडिसिन जो है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, मेडिसिन जो है वो आपने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस के ऊपर आती है, ठीक है, पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरक्लीन टेस्ट। सर पैथोजेनेसिस क्या है, कैसे जाता है ये, ठीक है, एंटीजन आया, एंटीजन बॉडी के अंदर गया, टी सेल्स है, ठीक है, टी सेल्स ने इसे डिटेक्ट किया, ठीक है, साइटोकाइंस मुख्तलिफ रिलीज हो गए, साइटोकाइंस वगैरह रिलीज हो गए, ठीक है, मैक्रोफेजेस वगैरह आ गए, और इसकी क्या होगी, इसकी सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। ये स्लाइड में दोबारा ऐड कर लूँगा, ठीक है, कंप्लीट डिटेल के साथ, इसको छोड़ दें अभी, कंप्लीट डिटेल के साथ ही मैं एंटर कर लूँगा। चलिए, इसके अलावा कुछ और बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हमने करनी है, ठीक है। बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, आपने सेल काउंट्स देखने हैं, ठीक है, आपने जो है वो सेल काउंट्स देखने हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है, लिम्फोसाइट काउंट आपने देखना है। इसके अलावा जो है वो आपने क्या देखना है, लिम्फोसाइट काउंट देखना है, प्रोटीन देखना है, ठीक है, प्रोटीन्स आपने देखने हैं, ठीक है, एसआईटीज, प्लूरल इफ्यूजन, मेनिनजाइटिस, ये सारी चीज़ें जो ये हो सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, ठीक है। और इसके लिए आप कौन सा टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, प्रोटीन के लिए पेंडे टेस्ट या रिवल्टा टेस्ट जो है वो हम करा सकते हैं, ठीक है, पेंडे या रिवल्टा टेस्ट जो है वो हम करा सकते हैं, ठीक है, और इसके जरिए जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कैसे करना है, इस डिज़ीज़ को आप लोगों ने प्रिवेंट कैसे करना है, उसको प्रिवेंशन के लिए जो है आप सबसे पहले क्या है, मास्क यूज़ किया करो, BCG वैक्सीन दे दो, रेगुलर जो है वो आपने अपना मेडिकल चेकअप कराना है, ठीक है, पेशेंट को आइसोलेट रखना है, ठीक है, वेंटिलेशन जो है उसे प्रोवाइड करनी है, फ्रेश एयर वेंटिलेशन देनी है, नेचुरल सनलाइट देना है, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरिडेशन देनी है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस से जो है उन्हें थोड़ा सा, हेलो स्टूडेंट्स एक मिनट, हाँ जी, ओके सर, सो आपने क्या करना है, आपने इस पेशेंट को क्या क्या देना है, मास्क देना है, BCG वैक्सीन देनी है, ठीक है, रेगुलर जो है उसे कहना है कि मेडिकल चेकअप कर लो, ठीक है, पेशेंट को आइसोलेट करना है, ठीक है, वेंटिलेशन प्रोवाइड करनी है, नेचुरल लाइट देनी है, ठीक है, और साथ साथ आपने अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन कराना है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन का क्या मतलब है, अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन या अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आपने अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए जो है ना, अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन जो है ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये क्या प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम डिसइंफेक्शन करते हैं, ठीक है, ये डिस
इन्फेक्शन का एक मेथड है, ठीक है, ये डिसइन्फेक्शन मेथड है, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, जिसके जरिए जो है वो हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो है वो किल कर लेते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हम जो है वो डीएक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। सो आपने इन पेशेंट्स को मास्क देना है, बीसीजी वैक्सीन देनी है, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराना है, आइसोलेशन पेशेंट को आइसोलेट करना है, वेंटिलेशन का ख्याल रखना है, नेचुरल सनलाइट प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन करानी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो, ठीक है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है आपने हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करनी है, और आपका इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी होना चाहिए, आपका इन्वायरमेंट जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, ठीक है आपको। इसके अलावा जो है वो हेल्दी फूड वगैरह, ठीक है, और साथ में जो है वो खुद को इम्यूनाइज कर दें, ठीक है, खुद को आपने इम्यूनाइज रखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो बीसीजी वैक्सीन, वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन क्या है, बीसीजी वैक्सीन जो बेसिकली उनका नाम है बेसिलिकल मेडग्योरिन, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये 1921 में यूज़ हुआ था, ठीक है। ओनली वैक्सीन अवेलेबल टुडे फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ ये ओनली वैक्सीन है, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ ये वाहिद वैक्सीन जो है वो यूज़ होता है दुनिया में, ठीक है। इट इज़ मोस्ट अफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डिजीज है, और ये मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन है, ठीक है, बच्चों को जो है वो बचपन में दिया जाता है ताकि वो बच्चे जो है वो इन्फेक्शन से जो है वो बच सके, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो है वो इन इट्स मोस्ट इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम डिजीज, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये आपने 0.1 ml सिर्फ देना है, 0.1 ml देना है, इंट्राडर्मली देना है, 0.1 ml जो है वो हम इंट्राडर्मली देते हैं, ठीक है, और ये आपको 15 से 20 साल तक जो है वो प्रोटेक्ट करता है इस डिजीज से, 15 से 20 साल तक जो है ये प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, और इसकी एफिकेसी जो है वो 80% तक है, up to 80% जो है वो इसकी एफिकेसी है, 80% तक जो है वो चांसेस होते हैं, अगर आप इम्यूनाइज हो इस वैक्सीन से तो 80% जो है वो आपको चांसेस है कि आप जो है वो डिजीज से बच सको, ठीक है, 20% तक चांसेस है आपको डिजीज जो है वो हो जाए, ठीक है। शुड बी गिवन टू ऑल हेल्थी एंड प्रेस सून इज पॉसिबल आफ्टर बर्थ, ये हम सारे बच्चों को देते हैं, ये नहीं है कि कुछ बच्चे, जो बच्चा जो है वो इन्फेक्टेड होगा उसे देना है, ठीक है, ये आपने हर एक हेल्दी बच्चे को देना है, ठीक है, आफ्टर बर्थ, अनलेस द चाइल्ड प्रेजेंटेड विद सिम्प्टोमेटिक एचआईवी इन्फेक्शन, अगर एचआईवी इन्फेक्शन नहीं है तो, अगर किसी बच्चे के अंदर जो है वो एच आई वी के साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर कोई बच्चा जो है वो एच आई वी इन्फेक्टेड है, अगर कोई बच्चा जो है वो एच आई वी पॉजिटिव है तो उस बच्चे को नहीं देना, बाकी हर एक बच्चे को जो है वो आपने ये वैक्सीनेशन जो ये करानी ही करानी है, ठीक है। इसके अलावा हम जो है वो इसके लिए कौन कौन से ड्रग्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आइसोलाइजेड यूज़ करते हैं, रिपेम्पिन यूज़ करते हैं या रिपेम्पिसिन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इथंबुटोल यूज़ करते हैं और पाइराजिनामाइड करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, चार मेन नाम जो है वो आप लोग ने याद रखने हैं, आइसोनाइजाइट, रिपेम्पिसिन या रिपेम्पिन, ठीक है, इथंबुटोल और पैरासिनामाइड, ये नाम आप लोगों को पी फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, ठीक है, मैंने इसे याद किया था PIER, पैरासिनामाइड, आइसोनाइजाइट, इथंबुटोल और रिपेम्पिसिन, ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह आप लोगों ने इसे याद रखनी है, ठीक है, और इनके साथ कभी कभार जो है वो हम स्ट्रेप्टोकाइनेज भी देते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी जो है वो हम कभी कभार देते हैं, ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स है वो आइसोनाइजेड है, रिपेम्पिन है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो रिपापेंटीन है, ठीक है, रिपाब्यूटीन है, इथंबुटोल और पाइराजिनामाइड, ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको ड्रग्स का बताया भी आप लोगों ने याद रखने के बाद, सेकेंड लाइन ड्रग्स इसके लिए कौन कौन से है, साइक्लोसरीन यूज़ होता है, ठीक है, इथियोनामाइड यूज़ होता है, ल्यूफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, जेटिफ्लोक्सासिन, ठीक है, ये सारे ड्रग्स जो
जो थे या अमाइनो सैलिसिलिक एसिड्स है, ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, अमीकासीन है, केनामाइसिन है, ठीक है, या सिप्रोमाइसिन है। लेकिन जो आप लोगों ने याद रखने है वो पाँच चार पाँच ड्रग्स जो आप लोगों ने याद रखने हैं, आइसोनियासिड, रिपेम्पिन, इथम्ब्यूटो, पैरासिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये आप लोगों को मस्ट याद होने चाहिए। बाकी अगर आप बाकी भी आप लोगों ने याद रखनी है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब ड्रग्स का मैकेनिज्म है कि इन ड्रग्स ने जो है वो आगे जाके क्या करना है, ठीक है, और कितना डोज देना है आप लोगों ने, ठीक है। ड्रग्स का मैकेनिज्म है कि इन ड्रग्स ने जो है वो आगे जाके क्या करना है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो पूरा मैनेजमेंट है, ठीक है। सो पाँच मिनट टाइम है आप लोगों के पास, पाँच मिनट में जो है आप लोग एक दफ़ा देख लो, ठीक है, मैं अभी आया, ठीक है, आप लोग देख लो एक दफ़ा कि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो ड्रॉप कर लो।
स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आ रहा हूँ, आप लोग देख रहे। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है, आगे ड्रग्स के बारे में, ठीक है कि आइसोलाइजेड ड्रग है, इसका मूड ऑफ एक्शन क्या है, इसका मूड ऑफ एक्शन ये कि माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, रिपेम्पिसिन है, रिपेम्पिसिन जो है आरएनए सिंथेसिस को और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज चेन को जो है वो डीएनए और आरएनए को जो है वो इनहिबिट करता है। ठीक है, पाइराजिनामाइड जो है वो क्या है, वो बैक्टीरियासाइडल है। ठीक है, स्लोली मेटाबोलाइजिंग ऑर्गेनिज्म विद एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ फेगोसाइट और कॉजेस ग्रेनुलोमा। ठीक है, ये ग्रेनुलोमा कॉज कर देता है। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, सो इसी तरह आप लोगों ने डीप नहीं जाना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, आइसोनाइसेट जो है वो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। रिपेम्पिसिन जो है वो आरएनए की सिंथेसिस को जो है वो ब्लॉक कर लेता है। ठीक है, पाइराजिनामाइड जो है वो क्या है, वो बैक्टीरियासाइडल ड्रग है। ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और उधर ही जो है वो फेगोसोम जो है या फेगोसाइटिक एक्टिविटी कर लेता है। ठीक है, एथंबुटोल जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक है। ठीक है, ट्रांसपरेज जो एंजाइम्स है उनको इनहिबिट करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस को जब इनहिबिट करते हैं। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जब भी किसी बैक्टीरिया को किल करना हो, ठीक है, या उसकी सेल वॉल के ऊपर एक्ट करो, ठीक है, या उसकी सेल वॉल के ऊपर अटैक करो, या उसकी प्रोटीन्स के ऊपर अटैक करो, ठीक है, या प्रोटीन्स के ऊपर अटैक करो, और या इसकी जो जेनेटिक एक्टिविटी है डीएनए और आरएनए है, ठीक है, या डीएनए और आरएनए के ऊपर जो है वो अफेक्ट करो। ठीक है, इन तीन चीज़ों के ऊपर जब हम अटैक करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो हम किल कर लेते हैं। ठीक है, तो इन ड्रग्स का सारा यही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। ठीक है, और उनको हमने मैनेज कैसे करना है। ठीक है, तो रिपेम्पिसिन की वजह से रैशेस पड़ते हैं, लीवर डिसफंक्शन होते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, यूरिन, ये एक एमसीक्यू में आता है। ठीक है, ये एमसीक्यू में आता है कि जब भी हम जो है वो ड्रग लेना शुरू कर देते हैं टीबी के ट्रीटमेंट देने के साथ साथ जो है वो यूरिन का कलर की हो जाए वो ऑरेंज कलर हो जाता है या रेड हो जाता है, तो ये रिपेम्पिसिन की वजह से होता है। ठीक है, एमसीक्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है वो हम क्या कर लेते हैं, ड्रग इंजेक्शन वगैरह भी इसका हो सकता है। ठीक है, आइसोनाइजेड जो है, आइसोनाइजेड की वजह से फीवर और हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो सकता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस और सीजर्स हो सकते हैं। पैरासिनामाइटिस की वजह से भी हेपेटाइटिस के चांसेस होते हैं। ठीक है, एथंबुटोल की वजह से हाइपो यूरिसीमिया के चांसेस और हाइपर यूरिसीमिया के चांसेस और ऑप्टिक न्यूराइटिस के चांसेस जो ये होते हैं। ठीक है, बाकी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकासिन और सिफोमाइसिन है, ठीक है, उसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी या रिनल टॉक्सिसिटी जो है ये कॉज हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ बस ना ये दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिपेम्पिसिन की वजह से जो है वो रेड ऑरेंज यूरिन जो है वो बनते हैं। ठीक है, सो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को ब्रेक दूंगा लास्ट में, तो जिसका जो क्वेश्चन है, जिसका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, वो आप लोग अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर लो और तब तक मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी लुबैना, जी जी लुबैना बोलिए। Thank you.
मिस साजिया के पास Thank you.
है।